सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माई चैनल विच इज़ मौसमी की दुनिया एंड आई एम योर होस्ट मौसमी मलिक। आई वेलकम यू ऑल इन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। सो आज है करवा चौथ, तो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल ऑफ यू एंड ऑल द वुमेन्स इन द वर्ल्ड, हैप्पी करवा चौथ। तो आ चुकी हूँ स्कूल से, अभी पढ़ा रही हूँ ट्यूशन। तो ट्यूशन पढ़ाना जैसे ही हो जाएगा उसके बाद करने वाली हूँ मम्मी को रेडी, मम्मी का मेकअप और दिया वगैरह भी बनाना है पूजा के लिए, उनकी थाली भी सजाना है। तो जो भी करेंगे, जैसा भी करेंगे, सब कुछ आपको दिखाने वाले हैं। कि आई तो आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगेगा, कि आप भी देख लीजिएगा कि हमारे यहाँ सेलिब्रेशन कैसा होता है, कि हम सब मिलके छत पे, यानी मम्मी चाची लोग जितनी सब लोग साथ में मिलके हमारे यहाँ छत पे इकट्ठे होकर सेलिब्रेट करते हैं करवा चौथ का फेस्टिवल। तो आप देखने के लिए हमारे यहाँ कैसे करवा चौथ की सेलिब्रेशन होती है, इसलिए आपको वीडियो में बने रहना होगा लास्ट तक। तो बने रहिए गाइस, मिलेंगे आपसे ठीक 2 घंटे के बाद आफ्टर द कोचिंग, फिर आपको पूरा दिखाएंगे। मिलेंगे अब आपसे मम्मी का मेकअप करते वक्त। ओके, मेरा चांद नजर आ गया, मुबारक कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? सो ये देखिए मैंने दिए बनाए हैं, पता है कि अच्छे नहीं बने लेकिन मुझसे जैसे बनते थे मैंने बना दिए। यहाँ पे मम्मी की पूजा की थाली भी डेकोरेट हो गई है। चलो मम्मी को जल्दी से तैयार करते हैं फिर आपको दिखाते हैं। ओके सो फ्रेंड, ये देखिए करवा चौथ का चांद निकल के आ गया, कितना ब्यूटीफुल चांद है, मैंने जूम करके खींचा। ये देखो, आई होप कि आपको अच्छे से दिख रहा होगा। और मुहूर्त इतनी जल्दी का था कि मैंने मम्मी को जल्दी जल्दी रेडी किया और मैं आपको दिखाई नहीं पाई शूट करके कि कैसे मैंने रेडी किया। वो आई होप कि मैं मम्मी को दोबारा से रेडी करूँगी और उस चीज़ का ब्लॉग बना के आपको दिखाऊँगी। और फाइनली यहाँ पर पूजा हो चुकी है स्टार्ट, और यहाँ पर अभी मम्मी लोग करवा चौथ की कथा सुन रही हैं। तो आप भी सुन लीजिए ताकि आपको भी पता चल जाए कि करवा चौथ का त्यौहार क्यों मनाया जाता है, मतलब ये फास्ट क्यों लेडीज रखती हैं। था जिसके साथ बेटे और एक बेटी थी, सातों भाई व बहन एक साथ बैठकर भोजन करते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ का व्रत आया तो भाई बोला कि आओ बहन भोजन करें। बहन बोली आज करवा चौथ का व्रत है, चांद उगने पर ही खाऊंगी। तब भाइयों ने सोचा कि चांद उगने तक बहन भूखी रहेगी, तो एक का भाई ने दिया जलाया, दूसरे भाई ने चलने लेकर ढका और नकली चांद दिखाकर बहन से कहने लगे चांद निकल आया है, अर्घ दे दे। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दे दे। तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद होगा होगा, हमारा तो रात को ही होगा। बहन ने जब अकेले ही अर्घ दे दिया और खाने लगी तो पहले ही ग्रास में बाल आया, दूसरे ग्रास में कंकड़ आया और तीसरे ग्रास की ओर किया मोह किया तो उसकी ससुराल से संदेशा आया कि पति बहुत बीमार है, जल्दी भेजो। माँ ने जब लड़की को विदा किया तो कहा कि रास्ते में जो भी मिले उसे पाँव लगना और जो कोई सुहाग का आशीष दे उसके पल्ले गांठ लगाकर कुछ रुपये दे देना। बहन सब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला यही आशीष दी कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहे, तुम सुख उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष किसी ने भी नहीं दिया। जब वह ससुराल पहुंची तो दरवाजे पर उसकी छोटी ननद खड़ी थी, वह भी उसके पाँव लगी। उसने कहा कि सुहागिन रहो सपूती हो, तो उसने यह सुनकर पल्ले में गांठ बांधी और ननद को सोने का सिक्का दिया। तब भीतर गई तो सास ने कहा पति धरती पर पड़ा है, तो वह उसके पास जाकर उसकी सेवा करने के लिए बैठ गई। बाद में सास ने दासी के हाथ बची कुछ रोटी भेज दी। इस प्रकार से समय बीतते बीतते मृगशिर मार्गशीर्ष की चौथ आई, तो चौथ माता बोली करवा ले भाइयों की प्यारी करवा ले। लेकिन जब उसे चौथ माता नहीं दिखलाई दी तो वह बोली हे माता, आपने मुझे उजाड़ा तो आप ही मेरा उद्धार करोगी, आपको मेरा सुहाग देना पड़ेगा। तब उस चौथ माता ने बताया कि पौष की चौथ आएगी, वह मेरे से बड़ी है, उसे ही सब कहना, वही तुम्हारा सुहाग वापस देगी। पौष की चौथ आकर चली गई, माघ की चली गई, फाल्गुन की चली गई, चैत्र वैसाख ज्येष्ठ आषाढ़ और श्रावण आकर चली गई, भादों की सभी चौथ आई और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असोज की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम कार्तिक की चौथ तुमसे नाराज है, तो उसी ने तुम्हारा सुहाग लिया है, वही वापस कर सकती है, वही आएगी तो पांव पकड़कर विनती करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से में बोली भाइयों की प्यारी करवा ले, दिन में चांद उगानी करवा ले, व्रत खंडन करने वाली करवा ले, भूखी करवा ले। तो यह सुनकर चौथ माता को देखकर उसके पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी हे चौथ माता, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथों में है, मुझे सुहागन करें। तो बोली पापिन हत्यारिन, मेरे पाँव पकड़कर क्यों बैठी है? तब वह बोली कि जो मुझे भूल हो गई मुझे क्षमा कर दो, अब भूल नहीं करूंगी। तो चौथ माता ने प्रसन्न होकर आंखों से काजल, नाखूनों में से मेहंदी, टीके में से रोली, छोटी अंगुली से उसके आदमी पर छींटा तो वह उठकर बैठ गया और बोली कि आज मैं बहुत सोया। वह बोली क्या सोए, मुझे तो 12 महीने हो गए, अब जाकर चौथ माता ने मेरा सुहाग लौटाया।
तब उसने कहा कि जल्दी से माता का पूजन करो। तब चौथ की कहानी सुनी, करवा का पूजन किया तो प्रसाद खाकर दोनों पति पत्नी चौपड़ खेलने गए। नीचे से दासी आई, उसने उन दोनों को चौपड़ पासे में खेलता देखा तो उसने सासू जी को जाकर बताया। तब से सारे गाँव में यह बात प्रसिद्ध हो गई कि सब स्त्रियां चौथ का व्रत करें तो सुहाग अटल रहेगा। जिस तरह से साहूकार की बेटी का सुहाग दिया, उसी तरह चौथ माता सबको सुहागन रखे, यही करवा चौथ के उपवास की सनातन महिमा है। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश देवा माता। सब लाल लाल चार भुजा धारी सिंदूर सो जय गणेश देवा माता जकी पार्वती पिता महादेव। बिलन का हो रहा है चकाले। चांद नजर आ गया मुबारक। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई। तो यहाँ पे करवा चौथ का कथा जो था वो भी हो गया, आरती भी हो गई, सब हो चुका है। अब मम्मी लोग थाली सजा रही हैं, अब जाएंगे चांद को अर्घ देंगी, मतलब चंदा मामा की पहले पूजा करेंगे, उसके बाद पापा लोग की पूजा होगी। तो यहाँ पे जो भी हो रहा है तो मैं आपको बताती जाऊँगी ताकि आपको भी पता चल जाए। जिनके घर में होता है उन्हें तो पता ही है, जिनके घर में नहीं होता ये फेस्टिवल मतलब ये पूजा उनको भी पता चल जाएगा। तो यहाँ पे चाची चाचा की पूजा स्टार्ट हो गई। तो पहले चांद की पूजा करने के बाद चांद को प्रसाद चढ़ाया जाता है और सारी चीज़ें उनको अर्घ दी जाती हैं, जल चढ़ाया जाता है, फिर उसके बाद सेम चीज़ें पापा लोग के साथ करनी होती है। तो चलो पहले चांद की पूजा हो जाए। तो ये फाइनली मम्मी ये मुझे थोड़े थोड़े सामान पकड़ा रही हैं। सो मम्मी ने चांद को अर्घ दे दिया है। अब मम्मी चलने से पहले चांद को देखेंगी, फिर एग्जैक्ट तुरंत पापा को देखेंगी। चांद को देखने के बाद तो ये देखो, चांद को देखा और मुड़ के पापा को देख रही चलने से। ये मोमेंट कितना क्यूट और कितना प्यारा है ना। ये रहा हमारा चांद। सो अभी मम्मी लगा रही हैं पापा को तिलक और पापा लगाएंगे अब मम्मा को सिंदूर और तिलक। तो पापा ने लगा दिया है मम्मी को सिंदूर और अब मम्मी कर रही है पापा के चरण स्पर्श। सदा सुहागन रहो, जीते रहो, खुश रहो हमेशा। मम्मी कितनी क्यूट लग रही हैं, कितनी प्यारी लग रही हैं। अब इस दिया को ऐसे पीछे फेंका जाता है और देखा नहीं जाता पीछे मुड़ के। तो चलो अब क्या होगा क्या होगा। अच्छा पहले मम्मी पापा को पानी पिलाएंगी। पापा का भी फास्ट है ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। पापा का फास्ट नहीं था, लेकिन मम्मी ने पापा का मुंह मीठा करवाया था, मिठाई खिलाई थी, इस वजह से पहले पापा को पानी पिला दिया। अब मम्मी उतार रही है पापा की नज़र। तो नज़र सीख जो होती है ना, चार सीख उससे उतारी जाती है, उसको भी तोड़ के पीछे फेंक दिया जाता है, इसको भी वापस से देखा नहीं जाता। सो फ्रेंड फाइनली हो चुकी है मम्मा पापा की भी पूजा। तो चलो अब खींचेंगे इनकी थोड़ी सी फोटोज़। उसके पहले इधर चाचा चाची की पूजा हो रही थी, चलो उनको भी दिखाती हूँ। ओके तो यहाँ पर ये चाची पूजा करती हुई चाचा की, चाची ने चाचा के सिर पे एक बड़ा सा फूल रख दिया वो देखो। तो चाचा कह रही है क्या कर रही, फूल हटाना है। चाची कहती नहीं फूल रखा रहने दो। चाचा भी यहाँ पे लगा रहे हैं चाची को सिंदूर और चाचा कर रहे थे चाची की टांग खिंचाई, कहते कि आज दिन में कितने बार खाया, इतना सारा खाया, क्या खाया। चाची कहती कुछ भी नहीं खाया अभी तक, फास्ट है, जब आप खिलाओगे तभी खाएंगे। तो हम सबको बहुत मज़ा आ रही थी, लेकिन बच्चे पीछे बहुत शोर कर रहे थे, इस वजह से मैंने म्यूट कर दिया। अदरवाइज मैं इसी चीज़ को यहाँ पर डाल देती तो आपको ऑडियो सुन के बहुत मज़ा आता, लेकिन बच्चे इतना ज़्यादा शोर कर रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे कि आपको सुनाई भी नहीं देता वैसे ही। सो फाइनली सबकी पूजा हो चुकी है, अब चलो खींचते हैं फोटोज़। सबकी फ़ोटोज़ खींचेंगे बारी बारी से, यहाँ मम्मी पापा अंकल आंटी जितने भी हैं सबकी फ़ोटोज़ खींचेंगे, फिर उसके बाद आपसे मिलेंगे। ओके सो फाइनली सारा सेलिब्रेशन हमारा हो चुका है, पूजा भी हो गई, फ़ोटोज़ क्लिक भी हो गई। यहाँ पर मैं चाचा के साथ कर रही हूँ थोड़ी सी मस्त, इनके फेस में फ्लैश लाइट मार रही थी यानी टॉर्च ही मार रही थी सीधा सीधा। ये रहा चांद पीछे की नाकू लड्डू।
सो लिटरली अभी हम सब कर रहे हैं मस्ती, उसके बाद हम लोग खाएंगे प्रसाद, फिर नीचे जाएंगे खाना आना खाएंगे सो जाएंगे। तो आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा कि आपको हमारे यहाँ का सेलिब्रेशन कैसा लगा। ओके तो फाइनली गाइस आ चुके हैं घर वापस, पूजा वूजा सब अच्छे से हो गई, आई होप कि आपने देख लिया होगा आपको अच्छा भी लगा हो। तो चलो गाइस अब करते हैं डिनर, भूख बहुत ज़ोर से लग रही, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। बहुत देर तक हम सब ने मिलकर साथ में मस्ती करी, वो सब बंगाली में डिस्कशन था तो आपको समझ में भी नहीं आता, इस वजह से वो सारी चीज़ें मैंने ऐड नहीं करी इसमें। चलो खाना वाना खा लेते हैं, मिलेंगे आपसे जल्दी नए वीडियो के साथ। तब तक अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज क्या करना है पता है ना, डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मौसमी की दुनिया। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी यूनिक सी वीडियो देखने के लिए आपको क्या करना है पता है ना, क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरे बेल आइकन को भी हिट करना है जल्दी से, क्योंकि क्या है लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्रिप्शन क्या है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यानी मुफ्त। तो दिल खोल के करो। ओके गाइज बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।